पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स का नाम है महादेव पहलवान। महादेव पहलवान उर्फ महादेव अवस्थी बरसों से अवैध रूप से सूदखोरी का धंधा करता था। कई लोगों के प्लॉट और संपत्ति भी हड़पने का भी इस पर आरोप है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। मामले का खुलासा इसके दत्तक पुत्र यश अवस्थी ने कर दिया। दरअसल यश अवस्थी पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस यश को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी। जैसे ही यश गिरफ्तार हुआ, उसने अपना जुर्म तो कबूला ही, अपने पिता की भी पोल पट्टी खोल दी। फिर क्या था, पुलिस ने महादेव पहलवान को भी धर दबोचा। महिला थाने में एक फरियादी आई, जिन्होंने बताया कि कल महिला थाने में एक फरियादियां आई, उन्होंने बताया कि उनके साथ एक यश अवस्थी नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, तो उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की गई और तो पाया गया, उसने बताया कि उसके पिता महादेव पहलवान यह ज़्यादा पैसों पर जो ज़्यादा ब्याज दर पे ब्याज देने का काम करता है, अवैध वसूली करता है और उसके लोगों की ज़मीनें खाली करा के धमका के करवाता है। तो इस संबंध में जांच हमारे मुखबिरों से अभी हमें सूचना प्राप्त हुई, तो उसके इनके पास कुछ अवैध हथियार भी हैं और पुलिस ने यहाँ पर इनके महादेव पहलवान के घर पर रेड की। इसमें कुछ हथियार मिले हैं और कुछ कागजात भी मिले हैं, उसकी जांच की जा रही है। अभी पुलिस की कार्रवाई कंटिन्यू है। सर किस टाइप के हथियार मिले हैं, इसके बारे में अभी जांच की जा रही है और रेड अभी कंटिन्यू। यश ने जो पुलिस को बताया कि महादेव पहलवान 10-25% ब्याज पर लोगों को कर्ज देता था, जिसके बदले सादे कागज पर उनके हस्ताक्षर करवाता था। इसके बाद ब्याज और मूल रकम बढ़ाते हुए लोगों की जमीन, मकान और प्लॉट पर कब्जा कर लेता था। उसका यह सूदखोरी का अवैध कारोबार बीते 15 सालों से ज्यादा वक्त से चल रहा है और अब तक वो सैकड़ों लोगों की संपत्ति हड़प चुका है। इसके अलावा उसके खिलाफ अड़ीबाजी, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली, मारपीट समेत कई मामले भी दर्ज थे। इसके बावजूद आज तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महादेव पहलवान आंखों से देख नहीं सकता है, इसके बावजूद वो आंख से देखने वालों पर कई सालों से राज कर रहा था। फिलहाल पुलिस को महादेव के घर से कई लोगों की संपत्ति के दस्तावेज और हथियार मिले हैं। इसके साथ ही 10 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।